वेलकम यू ऑल इन द बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस। इन लास्ट वीडियो वी रीड अबाउट एसक्यूएल कॉन्स्टेंट। एज यू नो एसक्यूएल कॉन्स्टेंट इज ए कंडीशन और चेक अप्लीकेबल ऑन ए फील्ड और सेट ऑफ फील्ड। एसक्यूएल कॉन्स्टेंट क्या है? एक कंडीशन है जो किसी फील्ड या सेट ऑफ फील्ड पे अप्लाई होता है। तो अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट। इसके अंदर नॉर्मल है, डिफॉल्ट है, यूनिक है, चेक है, प्राइमरी की और फॉरेन की कॉन्स्टेंट। तो आज अपन बात करेंगे कि कैसे अपन को इनका प्रैक्टिकल करना है। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, वैसे अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसा कि क्रिएट टेबल यहाँ पे बना रखा है कस्टमर एक टेबल है। इसमें सबसे पहले SID कॉलम नेम इंटीजर। देखिए यहाँ पे साइज नहीं दे रखी है, तो अगर आपने साइज नहीं दे रखी है तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर है वो 11 डिजिट लेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई किया गया प्राइमरी की कॉन्स्टेंट एंड कोमा। तो अभी तक अपन क्या कर रहे थे, अभी तक अपन ओनली कॉलम नेम और यहाँ पर जो आपका डेटा टाइप लिख रहे थे, अब अपन क्या करेंगे साथ ही साथ कॉन्स्टेंट नेम भी लिखेंगे। नेक्स्ट में दे रखा है एफ नेम केयर 30 और नॉर्मल, तो ये नॉर्मल कॉन्स्टेंट अप्लाई हो जाता है। ऐसे आ जाएगा आइटम नंबर इंटीजर, यहाँ पे यूनिक कॉन्स्टेंट है। तो देखिए वन बाई वन अपन खुद प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे ये अप्लाई होंगे, कैसे ये काम करें। तो देखिए यहाँ पर अपन टेबल बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल और यहाँ पे टेबल नेम मैं दे देता हूँ ST स्टूडेंट। एक टेबल बना रहे हैं अपन, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा ID। अपन एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एनरोलमेंट नंबर है। अब ये इंटीजर में आता है नॉर्मली, और यहाँ पर अपन साइज नहीं दे रहे हैं, बाय डिफॉल्ट 11 लेगा। और मैं सबसे पहले मैं इसको बना देता हूँ प्राइमरी की कॉन्स्टेंट। प्राइमरी की क्या कहता है, प्राइमरी की ये कहता है कि नॉट नल यूनिक प्लस नॉट नल, इट मीन्स ये यूनिक वैल्यू भी लेगा और नल नहीं लेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा एस नेम मीन्स स्टूडेंट नेम, और यहाँ पर अपन अप्लाई जैसे इसमें दे रखा है नॉर्मल, वैसे मैं यहाँ पे नॉर्मल अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा केयर, इसकी साइज अपन कर देते हैं 30 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ नॉट नल, इट मीन्स ये नल नहीं लेगा। नेक्स्ट अपन कॉलम नेम बना लेते हैं, जैसा कि इसमें दे रखा है आइटम नंबर इंटीजर यूनिक कॉन्स्टेंट अप्लाई करते हैं, उसमें अपन कुछ और दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रोल नंबर। ओके, देखिए जब भी अपन को यहाँ पर मोर देन वन कीवर्ड यूज करने हैं तो आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, अंडरस्कोर का यूज करोगे, स्पेस आपको नहीं छोड़ना है। रोल नंबर इंटीजर में आता है नॉर्मली, और मैंने यहाँ पे कर दिया यूनिक। ओके, यूनिक हो गया, इट मीन्स ये क्या करेगा, यूनिक वैल्यू ही लेगा, रिपीट वैल्यू आप इसमें दे नहीं सकते। नेक्स्ट जैसे अपन को दे रखा है वो दे रखा है चेक कॉन्स्टेंट। क्या कहता है कि जो आपका वैल्यू है वो पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूँ फीस, और यहाँ पे मैंने कर दिया डेसिमल। डेसिमल क्या कहता है कि आप यहाँ पे फ्लॉट वैल्यू भी दे सकते हो, इट मीन्स फ्रैक्शन वैल्यू भी यहाँ पे आप दे सकते हो। टोटल नंबर ऑफ डिजिट ऐड आनी चाहिए, 2 डिजिट है वो आपके पॉइंट के बाद में, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ चेक। अब देखिए चेक कॉन्स्टेंट अप्लाई करने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे देखा है प्राइस नाम से अपन ने कॉलम बना रखा है, तो प्राइस ग्रेटर देन 50, वैसे अपन यहाँ पे क्या करेंगे फीस है, तो मैं यहाँ पे करूँगा फीस और यहाँ पे कर देता हूँ ग्रेटर देन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10,000 कि जो फीस है वो इंसर्ट हो ग्रेटर देन 10,000। वैसे मैंने आपको बताया है MySQL के अंदर जो आपका चेक कॉन्स्टेंट है वो वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है यहाँ पर डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट। डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट क्या कहता है कि आपकी अगर आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करते हैं तो वो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। तो अपन यहाँ पे ये भी कर देते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ मार्क्स, या अपन ये कर देते हैं सिटी, और यहाँ पे सिटी के अंदर मैं कर देता हूँ वेयर केयर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे 40 साइज रख देते हैं अपन, और यहाँ पे कर देते हैं डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के बाद में अपन को वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू सपोज दैट मैंने यहाँ पे रख दिया लक्ष्मणगढ़। ओके, ये वैल्यू मैंने रख दी है और मैं अपनी टेबल को क्लोज कर रहा हूँ, और देन अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज कर रहे हैं। तो देखिए इंटर कर दिया, आपका क्या हो गया, ये क्वेरी ओके, इट मीन्स आपकी टेबल बन चुकी है। अब इस टेबल को अपन को देखना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे DSC और यहाँ पे अपन करेंगे टेबल नेम क्या अपना ST,
तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका टेबल शो कर गया है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो शो कर रहा है। सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर है, तो यहाँ पर ये दे रखा है प्राइमरी की कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर इंटीजर 11 ऑटोमेटिकली ले रहा है क्योंकि अपन ने साइज नहीं दी थी। नेक्स्ट है एस नेम, यहाँ पर नल, नल के लिए क्या बता रहा है, नो बता रहा है, इट मीन्स ये नॉट नल होगा। नेक्स्ट रोल नंबर, रोल नंबर ये यूनिक बता रहा है अपन को, देखिए यूनिक बता रहा है पर आप यहाँ पे नल इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है फीस, तो फीस यहाँ पे क्या है, फीस में अपन ने क्या दिया था, यहाँ पे चेक कॉन्स्टेंट दिया था, तो एसक्यूएल के अंदर चेक कॉन्स्टेंट है वो वर्क नहीं करता है। और नेक्स्ट अपना आता है सिटी, सिटी पिन में अपन ने डिफॉल्ट वैल्यू क्या दिया, लक्ष्मणगढ़। तो अब देखिए इसमें अपन वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इन टू, टेबल नेम अपना क्या है एस टी, सबसे पहले कॉलम नेम लिखते हैं अपन एनरोल, नेक्स्ट अपना आता है एस नेम, नेक्स्ट अपना आता है रोल नंबर, नेक्स्ट अपना आता है फीस, और नेक्स्ट अपना आता है सिटी, ये अपन ने यहाँ पे लिखा। और फिर अपन क्या करेंगे, वैल्यूज जो अपना इंसर्ट करने का तरीका है, तो देखिए सबसे पहले सपोज दैट मैं रोल जो आपका एनरोलमेंट नंबर है 1001 कर रहा हूँ, एस नेम, एस नेम मैंने यहाँ पे किया अमन, ओके। नेक्स्ट अपन ने रोल नंबर लिखा है, रोल नंबर सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा 11। नेक्स्ट अपन यहाँ पे कर रहे हैं फीस, फीस मैंने यहाँ पे लिखा 15,000.45 मैंने यहाँ पे कर दिया, ये डेसिमल वैल्यू अपन ने कोई भी लिखी है यहाँ पे। और सिटी मैंने यहाँ पे कर दिया सीकर। तो आप देख पा रहे हैं ये इंसर्ट होगा, आपने सारी वैल्यू इंसर्ट की है प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि प्राइमरी की का यहाँ पे क्या मतलब है, वन बाई वन देखिए। प्राइमरी की ये कहता है कि नॉट नल, नल नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ वैल्यू रिपीट भी नहीं होनी चाहिए, यूनिक भी होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये लिखा है, अब इसमें अपन रिपीट वैल्यू दे के देखते हैं। तो देखिए अगर मैं ये एंट्री वापस करता हूँ तो ये इंसर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये प्राइमरी की कॉन्स्टेंट यहाँ पे काम कर रहा है। तो प्राइमरी की क्या कहता है, अगर आपने ऊपर 1001 दे दिया तो दोबारा आप 1001 नहीं दे सकते। देखिए क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 1001 फॉर E1, इट मीन्स ये डुप्लीकेट एंट्री है, तो आप इस यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर आप नल देना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे नल कर देता हूँ, ये नल भी नहीं लेगा। जैसे इंटर किया तो ये बोल रहा है कुड सॉरी कॉलम एनरोल कैन नॉट बी नल, ये नल नहीं हो सकता। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्राइमरी की क्या कहता है, नॉट नल प्लस यूनिक, दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या है एस नेम, एस नेम क्या है, नल के अंदर नो आ रहा है, इट मीन्स इसमें भी आप नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। वैल्यू तो करनी है, कोई सी भी कर दो, चाहे रिपीट भी कर सकते हैं, पर नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस पर क्या लगा है, नॉट नल। तो देखिए ये भी अपन अप्लाई करते हैं, सबसे पहले मैंने ये लिखा, इस बार अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ 1002, और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर नल रखता हूँ तो ये इंसर्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर नॉट नल कॉन्स्टेंट अप्लाई है। तो देखिए ये बोल रहा है कि कॉलम एस नेम कैन नॉट बी नल, ये नल नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता इट मीन्स इसमें कोई ना कोई वैल्यू आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ अमन की जगह पर कोई और नाम लिख देते हैं राघव, अब ये इंसर्ट करेगा। देखिए यहाँ पे एक और मैसेज दे रहा है अपन को, ये क्यों दे रहा है, क्योंकि अपन ने आगे यूनिक कॉन्स्टेंट अप्लाई कर रखा है, तो अपन को इसमें भी चेंज करना पड़ेगा। यूनिक कॉन्स्टेंट अपन ने किसके लिए अप्लाई कर रखा है, अपन ने रोल नंबर के लिए कर रखा है, तो रोल नंबर भी आपका चेंज होना चाहिए। देखिए आपने यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 12, ठीक है। तो अब ये वैल्यू इंसर्ट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि फर्स्ट जो प्राइमरी है उसके अंदर भी यूनिक वैल्यू है, नॉट नल है। राघव अपन ने वैल्यू इंसर्ट कर दी है, तो यहाँ पे भी नॉट नल है, और थर्ड आपका यहाँ पे यूनिक वैल्यू इंसर्ट हो जाती है। तो आप देख पा रहे हैं ये इंसर्ट हो चुका है, अपन क्वेरी ओके आ चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए अगर अपन बात करें, एक और एंट्री अपन करते हैं, तो देखिए प्राइमरी की